मैं तो कहना चाहता हूँ आज पंचकुला की धरती का सौभाग्य है कि इतने ऑफिसर एक साथ आए। सच्चे पुलिस वाले हो यार, सच्चे पुलिस वाले हो, सही में। सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर है, मत कीजिए इनको। हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस, थैंक यू, धन्यवाद। सो ये फिलहाल सुबह सुबह गुरुद्वारे के अंदर, आज की अपनी सुबह गुरुद्वारे के अंदर पॉजिटिव जगह पर। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे है ना, फिलहाल हमारे यहाँ पंचकुला में जो प्रोटेस्ट है ना वहाँ पे स्पोर्ट में आ रही हूँ मैं, बिल्कुल जड्डा। चाय देखो कितनी है। हेलो भैया, इतनी चाय इसमें और इतनी चाय उड़ने लग रही है। ये डाल दी, यहाँ पे ब्रेड और रस है खाने के लिए। मेरे को दे दो ब्रेड, दे दो या भाई। हरियाणा की सुबह सुबह की यहाँ पे गुड मॉर्निंग हुई है गुरुद्वारे के अंदर, सबसे पॉजिटिव जगह है। तो hey guys, good morning, welcome to my new vlog। वीडियो बनाने में बिजी थी और इसकी चाय की कटोरी बिल्कुल भर दी गई, जो इसे पी नहीं जा रही। मैं बनाऊंगा जिसकी वीडियो, या अपनी हरियाणा की फेमस यूट्यूबर बाण संजू है। और सवेरे सवेरे गुरुद्वारा में आए थे, आड़ा हम 8 तारीख के धरना खातर जो उन्हें प्रेजेंट होया, सारे रिया हमारा व्लॉग बनाओगी, बल्कि बना दिया। आज यहाँ मेरे फसगी, व्लॉग मैं बनाऊंगी आज इसका। ब्रेड ले लिए जैम वाले, और ये इतना मुश्किल हो रही है, ये पीड़ी रही है भीतर दकाने। इस पर ना तो ये भीतर दक रहे और ना इस पर आड़ तक उठा जा रहा। या पूरी चाय पीऊगी नहीं तो पूरा व्लॉग बिल्कुल बिना एडिट हो बिना जाओगा। जिस गुरुद्वारा में नाडा साहिब में रुके रहना, वहां से बाहर का भी देखो, पीछे का पीछे बिल्डिंग है, बिल्डिंग ग्राउंड वगैरह है, पीछे खेती खाती देखो, हरी हरी सब्जी उगा रखी है। यहाँ पे देखो इस साइड बिल्डिंग है। फिलहाल मैं रूम में लेके जाऊँ। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे है ना भाई, 3 रूम है ना अपने, इसमें 4 हैं। मैं पूरे रूम का टूर लेने लग रही हूँ भाई। ये हमारे सारे के सारे हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट है भाई, प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। यूसुत्या कौन है? अवलदारणी साहिब, यूसुत्या कौन है भाई? आपका नाम बताएं। नीलम, सोनिया, सुमन, ज्योति, संजू। बाथरूम वाली रुक्का मारिए भाई। भाई कैसे हो सभी? यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी? चलो फिर अगले रूम में चला। हेलो, तो एक रूम ये है भाई हरियाणा पुलिस का। हो सबसे पहले अपने ताई तो मिलन दो। कैसे हो ताई, ठीक हो? जा बढ़िया, रोटी पानी दाओ खा लिया तने, नींद आ गई थी तुम्हारा बढ़िया। अच्छा, तो भाई ठीक हो भाई? अमन, प्रीतम, बदेरी, दीपिका, सुनीता, गीता, सुनीता, प्रीतम। चलो भाई ठीक है, ताई चलो घूम के आवांगे। मॉर्निंग वाहरे, सही है, लाइट लुइट ऑन कर रखी है। तो ये हमारी और भैया वलदारणी साहिब, अंतुरी, गीता, सीमा, थोड़े एक्टिव हो गए बोलो ने, पूजा, सोनू, मैडम जी, प्रियंका, हाँ जी, पूजा। चलो भाई सभी को गुड मॉर्निंग। और भी रूम है कि कोई? ये है ना टॉप फ्लोर पे देखो पार्किंग, और वहाँ पे देखो पहाड़। यहाँ पे अगर मैं फैसिलिटी बताऊँ ना, तो लड़कियाँ खातर अलग रूम है, और लड़के हैं ना जगह जगह पे, जगह जगह पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। नमस्कार बाबा जी, ठीक हो? यहाँ पे फैसिलिटी बहुत बढ़िया कर रखी है रहने खातर, और खाने पीने का भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा है। हम अलग अलग पूरे हरियाणा में से आए हम। हाँ, कैसे लगे इधर? बिल्कुल बढ़िया, अभी मैं टूर देऊंगी, सारा घूमूंगी यहाँ पे। हाँ ठीक है बाबा जी। लड़के भी बहुत ज्यादा तदार मार रहे हैं यहाँ पर, और लड़कियां भी बहुत ज्यादा, और अभी है ना आन लग रही हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने हो सको ना उतने आओ, मैंने कल भी बताया था आपकी। और अभी फिलहाल तो है ना खाने पीना जावा, हम खान पीने खातर, बाकी लड़कियां हैं उनसे मैंने मिलवा दिया। आ जाओ भाई। हेलो, क्या नाम है भाई? पूजा आचार वाला। पूजा क्या? पूजा आचार वाला से, आचार वाला गाँव है। अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू। रूम पे आए थे ना आप? हाँ, मैं 75 नंबर में ही थी। अच्छा। हाँ, रात से यही पे। आप नहीं, मैं स्पोर्ट में आ रही हूँ। मोस्ट वेलकम।
बहुत खुशी हुई सच में आपसे मिलके, बहुत ज्यादा आपके भी लोग देखते हैं। थैंक यू भाई। कार लाए होन अखां दे विच सुरमा पाया होवे, वारां दे वधीक विच शबरती दे श्रृंगार तब ही शोभा पाउंदे ने। भाई आपका नाम? मनीष। आपका सर? अरेंद्र। तो ये भी अपने हरियाणा पुलिस की जॉइनिंग खातिर प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो भाई? भिवानी से। आप भिवानी से? तो भाई अभी है ना हम जा रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर, चलो। गुरु साहब ने आखिया सबसे पहले अंदर जाने से पहले भाई हैंड वॉश करने पड़ेंगे। ये ठंडा पानी में सर्दी का मैं मम्मी चलो मैं एक क्वेश्चन पूछूं, जो लंगर प्रथा थी वहाँ किसने स्टार्ट करी थी? आज की स्थाई किसने करा था लंगर प्रथा थी? दो क्वेश्चन है, जवाब दियो। ये है अपना गुरुद्वारे का प्रसाद, हलवा और लड्डू। तो यहाँ पे लंगर की तैयारी करने लग रहे हैं, सब्जी चेन लग रहे हैं। हेलो आंटी, वीडियो बना लो। गोभी की सब्जी, पेठे की सब्जी और गाजर की, अलग अलग बनाओगे? अलग अलग सब्जी बनाओगे या मिक्स? अच्छा मिक्स। तो यहाँ पे अपने लंगर खाते सब्जी चीन लग रहे हैं इतने सारे जो बाबा जी हैं वो मिलके। बाबा जी एक प्लेट दे दो, प्लेट दे दो। एक जो लंगर है ना उसमें खीर सब रोटी दही मतलब दही है ना जबरदस्ती डाल गए, और दाल है, दो प्रकार की दाल है, एक राजमा की सब्जी और दाल। तो चलो खाते हैं। तो भाई अपना खाना पीना हो गया मस्त गुरुद्वारे में। ये ना मैंने ना खीर के ऊपर दही खा ली, अब गड़बड़ ना हो जाए पेट में कुछ। ये देखो पीछे गुरुद्वारा। तो भाई अभी हम जा रहे हैं धरना स्थल पे। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा। मेरे पीछे देखो पानी के झरने ही चलने लगे, पानी के झरने मस्त। ये है वही गगर नदी, ऐप से घुलेंगे साइकिल, ऐप से घुलेंगे साइकिल। हेलो सर, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है जो
ज्वाइनिंग नो, पुलिस की ज्वाइनिंग नो, ज्वाइनिंग नो, ज्वाइनिंग नो, ज्वाइनिंग नो, ज्वाइनिंग नो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश, वेरी गुड, आप सभी के हौसले के लिए तालियां एक बार, तालियां, सभी के हौसले के लिए तालियां, बैठ चले जाओ, बैठ चले जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, भारत माता की जय। भारत माता की जय। सच्चे पुलिस वाले हो यार, सच्चे पुलिस वाले हो, सही में एक बार रण दे सारा ना, इतना डिसिप्लिन बहुत बढ़िया होता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बच्चे हैं ना। सबसे पहले तो मैं सारे के सारे बहादुर बच्चों को भाई बिल्कुल तय दिल से सलाम की भी आपने इतना बढ़िया आवाज, ये मान लो कि 100% हरियाणा सरकार के कानों में भी पहुंची होगी और कोर्ट के कानों में भी पहुंची होगी, और ये 100% गारंटी है अगर ऐसे ही लगे रहे ना ज्वाइनिंग 100% होगी। और ना तो इस सरकार को भी हमने ही बना था और आगे भी हम देख लेवांगे इन्हें, पर इतना अनुशासित आंदोलन हो नहीं सकता। हमने किसी भी नागरिक को परेशान नहीं किया, पूरे सरकार से सबसे सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट की है कि भी हमारे 6600 परिवार हैं जिनके पास बहुत सारे तो ऐसे परिवार है कि भी रहने को घर नहीं है, ये सच्चाई बात है। वंदे मातरम, इंकलाब। पहले तो मैं आज जोड़ के स्पेशली हमारी जो बहनों ने जो आज योगदान दिया उसके लिए मैं देखो, किसी भी आंदोलन को एक रूप देने के लिए जो सर ने बोला बिल्कुल सही बात है कि बहन बेटियों का होना बहुत जरूरी है, और ऐसा नजारा एक बार तो उस ऐसा ही वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें देखा था और एक आज देखा है भाई, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ में। और मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलना चाहूंगा सरकार को कि ईब तो शर्म कर लो, ईब और केयर है या इसका क्या है, मतलब आप बड़ी बड़ी बातें किस चीज के लिए हो रही है, या हरियाणा की धरती है जब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी, और आज इसे धरती पर क्यों लग रहा है कि हमारी बहन बेटियां ही रोडों के ऊपर लाके खड़ी कर दी आपने। वो क्या अगर है मेरे ख्याल से भगत सिंह को तो और कोई आप में से फॉलो करता ही होगा, तो भगत सिंह एक तो एक नारा आप बार बार सुन रहे हो इनकलाब जिंदाबाद, इसका मतलब पता आपको क्या होता है, इनकलाब शब्द का अर्थ होता परिवर्तन, मतलब परिवर्तन जिंदाबाद। एक डिसीजन है सब भाइयों का रिक्वेस्ट करता है, आप बताना चाहूं हम सिर्फ 2 दिन वेट करेंगे, 11 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पर स्टार्ट करेंगे। बहुत कम वोटिंग पूरी इन बैठा भूख हड़ताल पर, बस आखिरी जरिए आए और चुपचाप बैठे रहेंगे, ईद तक शांतिपूर्वक रहे हैं तो आगे भी शांतिपूर्वक रहेंगे, हम किसी को हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका नहीं देवा, समाधि हम सिलेक्टेड है, भर्ती टनी खड़ी है सिमी सिमाई सारे तेरे दादा सिम को नहीं सिमरी होना आप सारे के जा लिए आठ में अपनी चेस्ट में अपनी थी ना भर्ती सबकी तैयार है। मैं तो कहना चाहता हूँ आज पंचकुला की धरती का सौभाग्य है कि इतने ऑफिसर एक साथ आए हुए, और ये आंदोलन है ना इतिहास में लिखा जाएगा। और मैं कह रहा हूँ जितने भी भाई बहन अभी नहीं पहुंच पाए हैं ना, मैं इस आंदोलन में एक रात बच्चों के साथ रुक कर गया था, तो मैं मेरी बहनों और मेरे भाइयों को आश्वासन देता हूँ पूरी, मतलब मेरे को अगर आप भाई बहन मानते हो तो मैं आश्वासन देता हूँ यहाँ सिक्योरिटी की लड़कियों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। पूरी रात रुका था मैं बच्चों के साथ और बच्चों के साथ भावुक हो गई थी, तो मैं कैमरे से साइड हो गया था, खुद की आंखों में आंसू आ गए थे कि इतने बच्चों का जो दिल का दर्द है ना वो मतलब एक इंसान को फील होना चाहिए। और सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर है मत कीजिए, इनको जल्दी से जल्दी
ज्वाइनिंग देने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी, जब तक हम यहाँ रहेंगे ना तो प्यारे बच्चों ज्वाइनिंग लेकर ही जाएंगे, एक ही नारा लगाकर जाएंगे कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक हम यहाँ से नहीं। इस आंदोलन में किसी राजनीतिक चेहरे को प्रवेश मत कर करने देना, और जिस दिन राजनीति आ गई ना तो ये आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। पूरे मैं पूरे हरियाणा के अध्यापक है ना वो आपके साथ है, कोई आ पाता है कोई नहीं आ पाता। तो गालिब कहते थे ना कुछ तो मजबूरियां रही होगी हमारी भी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। मतलब किसी भी एक सिंगल इंसान को ये आंदोलन आपका है और आप ही इस आंदोलन को जीत कर। बाकी यहाँ की जो कमेटी है बड़ी लाजवाब कमेटी है, मतलब बच्चों का बहुत ध्यान रखती है। रात को जब रुका था 3 बजे भी बच्चे आ रहे थे, 4 बजे भी बच्चे आ रहे थे, तो उनके लिए आते ही खाने का प्रबंध है, हर चीज की हर फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। और मैं पूरे मतलब ऑफिसरों से एक वादा करके जाता हूँ, आपको एक छोटी से छोटी चीज की जरूरत है तो आपका भाई यहाँ पर हाजिर मिलेगा। आपको कोई भी चीज की जरूरत हो आप बिल्कुल मेरे को बोल देना कि भाई हमें ये चीजें चाहिए। सर वाला भी रिलेशन नहीं आपके तो भाई वाला रिलेशन चलेगा, और हम यहाँ से ज्वाइनिंग लेकर उठेंगे। और ये पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन जो आपके साइड में चल रहा था ना, तो वो भी अपने को जानते हैं, उनको पता है ये 2 महीने बाद या महीने बाद या 10 दिन बाद ये आपके साथ आने वाले हैं। तो पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन आपके। और मैं मेरी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बहने घर मतलब है उनको घर वाले अगर हो सकता है कि ना आने दे तो एटलीस्ट अपने भाई को या अपने पेरेंट्स को इस आंदोलन में जरूर भेजे। यहाँ पर ताऊ जी आए हुए थे, 2 दिन मैं रुका, 1 दिन रुका था। ताऊ जी कहाँ गए? वो ये ताऊ के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे। आज कम से कम 10 किलोमीटर की होती है, थोड़ी बात के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और मैं कहता हूँ कि घरों से ना अगर एक ऐसे बुजुर्ग इस आंदोलन में देख रेख के लिए बैठे हैं तो घर वालों को आश्वासन हो जाता है। हमारी ताई जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। यही वो जज्बा, इनको कोई नौकरी तो नहीं चाहिए ना, ये आपके हकों के लिए बैठे हैं कि हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो ये हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है मैं कहता हूँ इतिहास में पक्की लिखी जाएगी, इतिहास में भी लिखी जाएगी, और अगली मेरी बुक में इस भर्ती का मैं जरूर मेंशन करूंगा। इस भर्ती के लिए 2 क्वेश्चन जरूर बनाऊंगा। प्रणाम, सभी को जय हिंद। क्या कहते हो पगले, पीछे कोई नजर नहीं आता। क्या कहते हो पगले, पीछे कोई नजर नहीं आता। तू बढ़ता चल, क्या सारे होते ही निर्माता। तू बढ़ता चल, क्या सारे होते ही निर्माता। मैं आपका जय हिंद ब्रो। जिन डिस्ट्रिक्ट से उचाना विधानसभा क्षेत्र से वीरेंद्र जय हिंद। पीछे भी मैं और मेरे छोटे भाई प्रदीप सर यहाँ पर आए थे। आज फिर इस एक महत्वपूर्ण आंदोलन में जैसे सर ने बताया इतिहास रचा था, एक तो किसान आंदोलन ने, एक तारीख भर्ती ने।